जल भराव, पीने के पानी की किल्लत जैसी बाकी समस्याओं की जब सुनवाई नहीं हुई, जबकि महीने तक कार्रवाई नहीं हुई, तो फरीदाबाद नगर निगम से वार्ड नंबर 5 की पार्षद अपने समर्थकों के साथ कमिश्नर के ऑफिस में जाकर धरने पर बैठ गईं, जहां मांग की गई कि जब तक नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल उन्हें लिखित में आश्वासन नहीं देंगी, तब तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे। कि हमारे वार्ड का जो टैंक है बूस्टर, उसमें पीने का पानी नहीं आ रहा। हम अपनी जनता जनार्दन को 2.5 से 3 महीने हो गए हैं, इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, हम सप्लाई नहीं दे पाते। दूसरा, कमिश्नर मैडम को वार्ड की जो समस्या है, सीवरेज ओवरफ्लो, एक भी गली ऐसी नहीं है जो सूखी मिले। मैडम से कहा कि मैडम हमें टाइम दीजिए, एक बार आप वार्ड का विजिट कर लीजिए। आपको मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं अपनी जनता जनार्दन से कहूंगी जी कमिश्नर आइए विजिट करने, आप चुपचाप जाइए और एक बार देख के आ जाइए। कमिश्नर मैडम ने 2 बातें कही जी, मुझे तो खोरी जाना है, मेरे पास तो FMDA है, मेरे पास स्मार्ट सिटी है। आप नगर निगम कमिश्नर है, कमिश्नर होता है मुखिया, मुखिया को पार्षद की जो समस्या है वार्ड की उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कमिश्नर मैडम की अज्ञानता की वजह से मेरा वार्ड नंबर 5 नरक बन गया है। जब से कमिश्नर मैडम आई है जुमलेबाजी करती है, 2-2, 3-3 घंटे हम लोगों का टाइम लेती है पार्षदों का, और निष्कर्ष ये निकलता है कि हम जनता जनार्दन को फेस नहीं कर पाते। आज 5 साल हो गए हैं, लगभग 5 साल मतलब पूरे हो जाएंगे, चुनाव आने वाले भी है, नजदीक ही है, तो ऐसे में ये समझा जाए कि एक आने वाले चुनाव के लिए कोई स्टंट करने की। भाई साहब 4.5 साल हो गए मेरे कार्यकाल को, जो आज वार्ड की स्थिति हुई है, इतनी नरक बनाया है वो कमिश्नर मैडम ने बनाया है। सरकार काम कराना चाहती है, नगर निगम कमिश्नर काम नहीं करना चाहती, जुमलेबाजी करना जानती है। उनके पास 2 ही शब्द होते हैं, नगर निगम तो है जी यहाँ के अधिकारी भ्रष्टाचार है, नगर निगम के पास कुछ नहीं है, आप FMDA में आइए, स्मार्ट सिटी में आइए, मैं काम करती हूँ। पार्षद ललिता यादव ने नगर निगम कमिश्नर पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम कमिश्नर उनकी समस्याओं को लेकर संजीदा नहीं है। पार्षद की माने तो वो कई बार अपने इलाकों में हो रही पीने के पानी की समस्याओं को लेकर अवगत करा चुकी हैं, लेकिन नगर निगम कमिश्नर उनकी शिकायत को बार बार अनदेखा कर रही है, जिसके चलते आज उन्हें मजबूरन अपने इलाके के लोगों के साथ नगर निगम कमिश्नर कार्यालय में धरना देना पड़ रहा है। इस दौरान जब कमिश्नर गरिमा मित्तल को मामले की जानकारी मिली तो वो कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने समस्याओं को समाधान कराने का आश्वासन भी दिया। देखिए मेरे, मुझे एज MCM कमिश्नर आप सबसे यही कहना है कि जरूर दिक्कत है और दिक्कत ज्यादा है, नहीं तो इतनी पब्लिक यहां तक क्यों आएगी। जी जी, तो ये दिक्कतें हमें कई बार पार्षद के थ्रू, वहाँ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके थ्रू, मीडिया के थ्रू, आप सबके थ्रू मिलती रही है। जी, तो ये दिक्कत है मैं मानती हूँ, और ये 2-3 दिन पहले भी मेरे पास दिक्कत आई थी, तो उसमें जो समाधान हमारा टेक्निकली पॉसिबल है। यहाँ पर एक्सएल साहब कहाँ है, ओपी कल्टन जी से नीचे कर लो जी, PNN नीचे कर, PNN नीचे करो, PNN नीचे, हाँ ओपी कर्दम जी भी साथ में हैं और ये भी मौके पर देखकर आए हैं, साथ में वैशाली शर्मा जो हमारी सबसे सीनियर ऑफिसर है जो मेरे पास MCF में, वो भी मौके पर जाएंगी, और क्योंकि FMDA में भी मेरे पास एक चार्ज है तो मैंने वहाँ के नवल से को भी वहाँ पर बुलाया है मौके पर। देखिए समाधान जो है वो एक टेक्निकल समाधान होगा, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जब मैंने अपनी दोनों डिपार्टमेंट्स को सबसे सीनियर ऑफिसर को मौके पर भेज रही हूँ, दिक्कत है जो लोग छोड़ दिखा रहे हैं, मैं डॉक्टर भी हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मगर जो है उसका समाधान तो टेक्निकली निकलेगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पहले हमसे ऑपरेटर मांगे, सीवरमैन मांगे, वो हमने लगाए, फिर ये था कि सुबह सुबह कोई वॉल चेंज कर देता है तो उसके लिए हमने पुलिस वाले लगाए, CP सर ने हमें 10 पुलिस वाले दे दिए, हमने उनकी 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगा दी, लॉग बुक लगा दी, कोशिश हमारी है मगर समाधान होना चाहिए, ये बात तो मैं भी एग्री करती हूँ। एज MCF कमिश्नर भी मैं यही देखना चाहती हूँ कि समाधान मौके पर हो। कल 60 फुट डिस्पोजल की जब कंप्लेंट आई तो हमने वीडियो कॉल करके चेक किया कि वहाँ ऑपरेटर है या नहीं है, तो टेक्नोलॉजी हमें साथ दे सकती है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो हम लोग जाएंगे, टीम जाएंगे, और मैं इसमें टेक्निकल समाधान के लिए मैं ओपी कर्दम जी से पूछती हूँ, वो कहते हैं कि जी अगर वॉल्व ठीक कर दे तो थोड़ा पानी हो सकता है 7 नंबर वार्ड से 5 में आ जाए। 7 नंबर वार्ड के जो वो है पार्षद है, उन्होंने कहा मैडम मेरे यहाँ पानी जो है 60 फुट पे खड़ा है वो निकाल दो, थोड़ा पानी अगर कम भी मिल जाएगा तो सबको बराबर मिलना चाहिए, तो उनकी कल वो वाली डिमांड पूरी कर दे, तो मुझे लगता है कि कुछ तो गुडविल रही होगी कि वो मान जाते हैं। अब कब तक इनका सलूशन हो जाएगा? आप आधे घंटे में नवल सिंह को आ जाए, आप तीनों को, नवल सिंह, वैशाली मैडम और ओपी कर्दम जी मौके पर जाएंगे और मैं आपको यही मिलूंगी, मैं 8:30 तक यहाँ बैठी हूँ, वापिस आएंगे, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, मैं भी आपके साथ चिंतित हूँ, हम इसका समाधान करेंगे। दरअसल पार्षद ललिता यादव उनके समर्थक अपने इलाके की समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय गए थे, लेकिन जब कमिश्नर वहाँ नहीं मिली तो नाराज लोगों ने उनके ऑफिस में ही धरना शुरू कर दिया।
इसके बाद पुलिस ने धरने पर बैठी पार्षद और उनके समर्थकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल भी उन्हें समझाने और उनके कार्यालय से निकालने में असमर्थ नजर आया। प्रदर्शनकारियों को कहना है कि जब तक लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा हम यहां से नहीं उठेंगे। कमिश्नर साहब को जो कंप्लेंट मैंने दी है ना, रिप्रेजेंटेशन क्या समस्या उसको उन्होंने पढ़ा भी नहीं है। वो आते ही उनका स्टाइल है लंबी बातें हवा में बातें करने का, 25 सेक्टर का बुस्टिंग जिसको पता ही नहीं कुछ जमीन का। मैं पर्वती कॉलोनी वार्ड 5 और जवाहर कॉलोनी को रिप्रेजेंट करने आया हूँ, वो 25 सेक्टर और जैन वाला और पता नहीं हवाबाजी। अरे मेरी कंप्लेंट पढ़ो, कहाँ की शिकायत है, ये तो करो। वो बात होगी कि जी मैं वैशाली मैडम आईएएस हैं एसीएमसी, उनको और ओपी करदम जी को फील्ड पे भेज रही हूँ और वो देख के समस्या को आएंगे। और बाकी मैंने कहा नवल सिंह को बुला लो पानी के लिए, नवल सिंह आ रहे हैं, सारी चीज इनके नॉलेज में है, कहाँ पानी कितना कैसे जा रहा है और कहाँ से कैसे हमारे यहाँ पहुँचा सकते हैं, ये तो है पानी की। बहरहाल निगम कमिश्नर ने अपने बेहतरीन अधिकारियों को भेजकर समस्या का समाधान करने का आश्वासन जरूर दिया है, मगर देखना होगा कि असल में वार्ड के लोगों की समस्या पर काम कब शुरू होता है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।